तस्वीरों में दिख रहा शख्स कलबुर्गी का ऑटो ड्राइवर है। अपने ऑटो को बना लिया एम्बुलेंस, मरीजों को फ्री में अस्पताल पहुंचाता है ये शख्स। ये कलबुर्गी का आकाश है, कोरोना मरीजों को फ्री में अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने ऑटो को एम्बुलेंस बना लिया है। इस मुश्किल वक्त में आकाश कलबुर्गी के उन मरीजों को सेवा देने का काम कर रहा है जो कोरोना संक्रमित हैं। उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना हो या अस्पताल से घर लाना हो, एक कॉल पर आकाश अपने ऑटो के साथ मरीज के घर के दरवाजे तक पहुंचता है और अस्पताल तक मुफ्त छोड़ाता है। आज मेरे साथ एक युवा है जिनका नाम आकाश है। आकाश से मैं आपको मिलाने से पहले कुछ बताना चाहूँगा। आकाश एक ऑटो चालक है, वो कोरोना महामारी से जो लड़ रहे हैं, जो भी मरीज़ हैं उन्हें अस्पताल तक या अस्पताल से घर तक वापस लाने में अपनी ऑटो में मुफ्त सेवा वो कलबुर्गी शहर के लोगों को दे रहे हैं। इस महामारी के दौरान आकाश ने अपने खुद के ऑटो को, जो ऑटो वो चलाते हैं, वो अपने ऑटो को एक एम्बुलेंस की तरह लोगों की सेवा में दे रहे हैं। आज मेरे साथ आकाश है। आइए आकाश, आकाश पहले तो ये बताइए कि ये जो सोच आपके अंदर आई है वो किस तरह आई है? मैं पिछले 2 महीने से घर में बैठा था। मैं सोचा घर में बैठ के भी कुछ काम भी नहीं करने का है। मैंने सोचा एक सेवा तो करेंगे, एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा आजकल, उसका वजह से मैं काम करने के लिए मैं सोचा था। तो आकाश अभी तक आप कितने मरीजों को अस्पताल से घर किस तरह से आप ऑपरेट कर रहे हैं? आपने नंबर दे रखा है अपना, लोगों का कॉल आने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, क्या उनके सीधा घर जाकर उन्हें पिक कर अस्पताल छोड़ रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? बुलाता है सीधा चला जाता हूँ उसके पास, कहीं राम मंदिर के पास बुलाया था सुबह रहे, उनको सीधा हॉस्पिटल छोड़ के आया जयदेव करके, फिर वहाँ से उन लोगों को फिर कॉल किया, फिर कॉल करके सीधा घर पे छोड़ के आया मैं। आप अकेले हैं या आपके साथ और आपके दोस्त टीम भी है ऑटो में जो काम कर रहे हैं? कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। आप अकेले ही काम कर रहे हैं? अकेले हूँ। तो आकाश अभी मृत्यु हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है, अस्पताल में हो या घर में हो, उन्हें पहुंचाना होता है, तो क्या आप उन्हें भी सेवा दे रहे हैं? मैं वो भी कर सकता हूं। उन्हें भी सेवा आप दे रहे हैं? सेवा दे रहा हूं। तो आकाश ये ऑटो आपका खुद का ऑटो है या फिर आप इसको किराए पर चलाते हैं? खुद का ही है, लेकिन महीना महीना मेरे पिताजी को देना है। उसका अंदर मैं गैस गैस डाल के मेरा खुद से गैस भरा के मैं चलाता हूँ। आकाश का कहना है वो अब ये मुफ्त सेवा तो शुरू कर चुका है, वो अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था करेगा ताकि कोई मरीज को घर से अस्पताल ले जाने तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो वो भी उपलब्ध हो। इस मुश्किल घड़ी में नेक काम कर रहे आकाश के जज्बे को सलाम। ऐसी कोशिशें ही कोरोना को हराने में बड़ी मदद साबित हो रही हैं। तो जिस तरह से कलबुर्गी महामारी से जूझ रहा है, महामारी की एक बड़ी लड़ाई कलबुर्गी लड़ रहा है, ऐसी स्थिति में एक ऐसा युवा भी कलबुर्गी में है जो ऑटो चालक है, वो अपने ऑटो में मुफ्त सेवा, यानी कि अगर कोई इन्हें कॉल करता है तो ये सीधा उनके घर पहुंचते हैं, वहां से पेशेंट लेते हैं और जो अस्पताल पेशेंट को जाना होता है वहां तक ये मुफ्त ले जाते हैं। तो ये एक अहम कदम आकाश ने कलबुर्गी में उठाया है। ज़रूरत आज इस महामारी के लड़ने के बीच ये ज़रूरत है कि और भी युवा इस महामारी की लड़ाई में अपने से जो बन सकता है वो काम करें, आगे आएं, लोगों की सहायता करें, एक दूसरे की सहायता करना है और इस महामारी की लड़ाई से हमें जीतना है। कलबुर्गी न्यूज़ के लिए सैयद वसीम।